सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। मेनली तो ये एक वीडियो होने वाली है और वो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो इसके अंदर करने वाले हम कार रिव्यू, वो भी इसका जो अपने पास पीछे ब्रेजा खड़ी हुई है, इसका 3 मंथ्स ओनरशिप रिव्यू। क्योंकि भाई मैंने सोचा कि यार 3 महीने होने वाले हैं इसे, वैसे एग्जैक्ट डेट मेरे को अभी याद नहीं है, टू बी प्रिसाइज वो एक बार मैं तुम्हें चेक करके बताता हूँ। मोटा मोटा तुम ये मान लो 2 महीने हो चुके हैं इसको, तो 2 महीने का आपको ओनरशिप रिव्यू करवाता हूँ मैं। कैसी हमें लग रही है, कैसी इसकी फील आ रही है चलाने में और सारी चीज़ें जो भी है। इधर अपने पीछे एक तो ये खड़ी हुई है इसका, और इसका करेंगे 3 साल का रिव्यू। ये सियाज खड़ी हुई है और इसका करेंगे 6 साल का रिव्यू। ये यहाँ पे स्विफ्ट खड़ी हुई है, वो करेंगे अगली अगली वीडियोस में। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक सिनेमैटिक शॉट के साथ। मेरे बत्ती बोर थले काली कार, बैठे कार विच मेरे जुन में जे यार सिरो करता अखा दा दिला युते करे जब जे आओ बोर वांगू जदा मुंड टुकी अखड़े लोका दा दिए वे पिंगे बोए घूमते मेरे मिंडो मिंड पट ना तू हस बली केड़ा करदा तंग मैनू दस बली साडे मैटर च आउंदी ना प्लस बली करदा तंग केड़ा दस बली भी। तो देखो ये पार्किंग में खड़ी हुई है, इसके अलॉयज भाई दूर से एक नंबर जेन्युइन लुक देते हैं, मतलब प्यारी, बिल्कुल ऐसा लगता है फेसलिफ्ट टाइप सी है। तो मैंने सोचा तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में कि हमने क्या क्या मॉडिफिकेशन इसमें कराई थी। वैसे तो जिन लोगों ने इसका डिलीवरी वाला व्लॉग देखा होगा उन लोगों को पता ही होगी कि क्या क्या कराई है, बट फिर भी जिसको नहीं पता, जो लोग नए जुड़े हैं, क्योंकि उसके बाद अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं उस टाइम के बाद से, मोटा मोटा तुम्हें मान लो 30,000 के अराउंड सब्सक्राइबर्स अपने बढ़ चुके हैं। भाई सबसे पहले तो अपने पास आती है इसकी चाबी, तो इसको पहले अनलॉक करते हैं। अनलॉक करने के बाद ये कुछ ऐसी आवाज कर देगी, ये सब चीजें बेसिक सी हैं, तुम्हें सब पता है अंदर बैठते हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले तो भाई चाबी लगाते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं, तुम्हें दिखाते हैं। सो लाइट्स अपनी चेंज हो रही हैं पीछे पीछे, वो म्यूजिक सिस्टम के अकॉर्डिंग कनेक्टेड है। म्यूजिक सिस्टम भी इसमें हमने बेस ट्यूब वगैरह सारी चीजें सेट करवा रखी, उन सब की तो मैं साउंड सुनाऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना कि म्यूजिक सिस्टम कौन सी कंपनी का है, क्या क्या हमने अलॉयज कितने इंच लगवा रखे हैं, सारी चीजें तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। सो सबसे पहले तो तुम्हें मैं ये चीज बताऊं भाई, 2 महीने में इसको चलाने का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, एक नंबर जेन्युइन, जिसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। कोई भी मतलब 1% ही होता है ना कि भाई तुम किसी चीज से ना खुश हो, मतलब वो चीज आई ही नहीं है। प्लस इसमें डैम्पिंग वगैरह सारी चीजें करा रखी थी, तो साउंड की भी कोई दिक्कत नहीं। अभी भी एसी चल रहा है और बाहर भी बहुत शोर सा हो ही रहा है, क्योंकि रोड टाइप सी है घर के बाहर, तो लेकिन उसकी भी तुम्हें साउंड नहीं आ रही होगी, क्लियर साउंड आ रही होगी, तो उस चीज में मेरे को बेस्ट लगी है। प्लस इसके जो डोर्स हैं वो अगर हम देखेंगे, इसकी क्वालिटी वैसे मारुति की क्वालिटी देखो हल्की होती है, बट इसको अगर हम खोल के लगाते हैं ना, ये देखना साउंड सुनना तुम भाई, बिल्ड क्वालिटी बहुत इंप्रूव कर रखी है इस बार मारुति ने। बाकी दूसरा फैक्टर इसका देखो, एक तो ये भी हो सकता है क्योंकि इसमें डैम्पिंग शीट्स लगवा रखी हमने, बट उससे भी इतना ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई, क्योंकि डैम्पिंग शीट्स लगवाने से पहले भी हमने जब देखा था इसका, चेक करी थी लेने से पहले, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी जेन्युइन है। बाकी देखो आगे हमारी ये स्विफ्ट खड़ी हुई है, स्विफ्ट की बिल्ड क्वालिटी से ब्रेजा की बिल्ड क्वालिटी अब जो मारुति की आ रही है वो नेक्स्ट लेवल है, अपग्रेड करके बिल्कुल बहुत जेन्युइन क्वालिटी आ रही है। बाकी इसके एसी वेसी की बात करते हैं, एसी वेसी सब जेन्युइन चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी चीज में, क्योंकि 2 महीने में देखो गाड़ी में कोई दिक्कत आती ही नहीं है। इसमें जो अपग्रेडेशन करवाई थी उनके बारे में मैं तुम्हें बता देता हूँ, 17 इंच के अपने अलॉयज लगे हुए हैं, कहीं भी यार कहीं भी ले जाओ इसको, खूब मैंने ऑफ रोडिंग टाइप्स भी कर रखी है, सब चीजें कर रखी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को, ना अलॉयज में आई ना गाड़ी में कोई दिक्कत आई। तो अभी तुम्हें इसका म्यूजिक सिस्टम चेक करवाता हूँ एक बार, तुम ये देखना कि कैसा लगता है, एक नंबर जेन्युइन बातचीत आती है या नहीं आती है। भाई ये भी बिल्कुल देखो हैवी क्वालिटी, ये अपनी बेस ट्यूब लगी हुई है, ये अपने स्पीकर्स लगे हुए, स्पीकर्स नहीं है ब्लूटूथ वैसे ही है हेडसेट, और ये अपना सोनी का म्यूजिक सिस्टम साउंड सिस्टम लगा हुआ है पीछे 1000 वॉट्स का। सो इसकी वजह से साउंड क्वालिटी बिल्कुल जेन्युइन आती है, कोई दिक्कत नहीं आती। इसको भी बंद करता हूँ। बाकी साउंड क्वालिटी की बात करते हैं, तो साउंड क्वालिटी तुम्हें चलो चेक करवाते हैं, अभी गाना चलाएंगे अपन यूट्यूब पे NCS। मैं इस पे अपना चश्मा रखता हूँ और जब देखना कितना हिलता है, तुम्हें जब पता लगेगा जेन्युइन। ये देख लो, इधर देखना, इधर अपना चश्मा रखूंगा जब देखना।
पता है नहीं, अरे तो ऐसे गिर गया। इसमें देखना ये देखो चश्मा कैसे हिल रहा है, इस पे लगा के चश्मा देखना कैसे हिल रहा है। म्यूजिक सिस्टम जो कि अभी मैंने फुल भी नहीं किया, हाफ पे चला रहा था 25 पे, उसमें इसने भाई तगड़ा धुआं उठा रखा है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं आ रही है कहीं पे भी। साउंड जो है इसके ओरिजिनल जो स्पीकर्स लगे हुए हरमन के वो भाई जेन्युइन क्वालिटी देते हैं, उसमें मैं 10/10 ही दूंगा, उसमें तो कोई वो ही नहीं है कि भाई नहीं देने, प्लस बेस ट्यूब लगवाने के बाद 12/10। चश्मा तुमने देख लिया, चश्मा कैसे हिल रहा था भाई, कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी साउंड क्वालिटी। और क्योंकि ये तो अभी देखो घर पे हैं हम लोग, घर पे ज्यादा ऐसे बेस तुम्हें दिखा भी नहीं सकते, घर वाले दुखी हो जाएंगे, तो इसलिए हमने थोड़ा सा हल्का ही रखा है। उसमें तुम देखो कि तुम्हें मतलब तुम लोग यार मैं कैसे बताऊं, तुम लोग ऐसे फील नहीं कर सकते, जो चीज लाइव आती है ना वो चीज वीडियो में नहीं आ सकती, वो वीडियो जस्टिफाई कर ही नहीं सकती कि कोई दिक्कत वाली बात चीत नहीं म्यूजिक सिस्टम में। क्योंकि म्यूजिक सिस्टम देखो अगर बेस ट्यूब भी अगर हम हटा दें उसके बाद म्यूजिक सिस्टम इसका अच्छा है यार, टाटा जो दे रही है हमें हरमन के स्पीकर्स दे रही है, तो इसमें ओरिजिनल हरमन के स्पीकर्स लगे हुए हैं ऑलरेडी, तो उसकी वजह से कोई दिक्कत वाली बातचीत ही नहीं है इसके साउंड में। वो अगर तुम मॉडिफाई ना भी करवाओ वो तो एक्स्ट्रा अगर तुम्हें डलवाना है तो डलवा सकते हो, बट अगर नहीं डलवाना तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत बढ़िया लगेगा। ओवरऑल अगर इसके सिटिंग एक्सपीरियंस की बात करें कि भाई ड्राइवर कंफर्टेबल होकर बैठ सकता है, प्लस जो पीछे पैसेंजर्स होंगे वो भी अभी तो देखो सामान पड़ा हुआ है, प्लस जो पीछे पैसेंजर्स होंगे वो भी बिल्कुल मतलब कंफर्टेबली इसमें तीन लोग पीछे आराम से बैठ सकते हैं। कोई कोई गाड़ी ऐसी होती है ना कि नहीं भाई फाइव सीटर होगी बट पीछे तीन लोग कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते, तो अपने को अगर कोई ऐसा है कि 100-200 किलोमीटर की राइड करनी है तो तीन लोग पीछे आराम से बैठ सकते हैं, टोटल पांच लोग आराम से जा सकते हैं गाड़ी में कंफर्टेबल होके बिल्कुल, जिसमें कोई दिक्कत आने नहीं वाली, क्योंकि हम लोग भी जा चुके हैं इसमें, आई थिंक 2-3 बार हम लोग भी जा चुके हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई। बट अगर तुम लोग ये सोचते हो कि भाई लॉन्ग ट्रिप्स पे जाना है और राइड्स करनी है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। देखो मेन चीज मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा, उसमें बंदा कंफर्टेबल नहीं हो सकता, वो चाहे तुम कोई सी भी गाड़ी ले लो यार, उसमें तीन लोग एक गाड़ी में ज्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं, तीन से ज्यादा चार, चार से ज्यादा पांच तो देखो बिल्कुल नहीं हो सकते। बाकी इसके अलॉयज में तुम्हें दिखा देता हूँ अलॉयज कैसे लग रहे हैं। अब एक बार बाहर निकल रहे भाई इसके अलॉय व्हील जो कि 17 इंच के लगे हुए हैं, प्लस तुम ये देखो इधर भी काफी स्पेस है, पीछे तो मैं दिखाऊं पीछे भी काफी स्पेस है, तो ये मुड़ता है कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं आती। इसकी हमने जो प्रोफाइल रखी हुई है वो बिल्कुल ऐसी रखी हुई है, देखो गैंगस्टर वाली फील दे रही है, जेन्युइन वाली। सो ये थी अपनी कार ओनरशिप वीडियो जो कि कार ओनरशिप रिव्यू वीडियो जो कि अभी खत्म करने का टाइम आ चुका है, तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव या थोड़ी सी भी बढ़िया लगी हो तो इसको चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, प्लस जिन दोस्तों के पास तुम्हारे ब्रेजा है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे घर में रिश्तेदार दोस्त जिनके पास भी है उनको भाई ज़रूर ये वीडियो शेयर करो कि, और जो लेने का प्लान कर रहे हैं उनको तो बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर शेयर करो। करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा बाय बाय, राम राम जी।